हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई गेम प्ले वीडियो में। और आज खेलने जा रहे हैं फिर से हिटमैन 3। तो इससे पहले हमने हिटमैन 3 में देखा था कि हमने एक हर्ष नाम के व्यक्ति को मारा था, जो कि लोगों के दिमागों के साथ में खेलता था, कुछ एक्सपेरिमेंट करता था, और फिर उसकी तो ऐसी की तैसी कर दी हमने। फिर उसके बाद में कोई एक लेडीज थी रॉयस, जिसके पास में ICA का पूरा डाटा पड़ा हुआ था, पूरा सर्वर बना हुआ था। आपने देखा ही था वो वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, बड़ा मजा आएगा उसमें। तो उसके सिक्योरिटी सिस्टम में घुस के, उसके सर्वर में घुस के हमने पूरा डाटा को हैक किया और पूरे डाटा को हमने डिलीट किया, और जो फाइलें हमको चाहिए थी वहाँ से हमने डाउनलोड करके ले आए। और उसके लिए हमें गाइड कर रही थी ओलिविया। ओलिविया हमें टाइम टाइम पे गाइड कर रही थी, क्योंकि ये डायना जो है हमसे नाराज़ हो चुकी थी। यह डायना को जो है ICA के बंदों ने जो है ब्रेन वॉश कर दिया, हमारे खिलाफ कर दिया, क्योंकि एजेंट 47 ने जो है उनके माता पिता को मारा था। और डायना को पता चल गया, क्योंकि डायना के पास में प्रूफ पहुंच चुका है कि एजेंट 47 ने ही उसके माता पिता को मारा था, क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब एजेंट 47 ने क्यों मारा था, कई के लिए मारा था, ये तो हमें आगे पता चल जाएगा। हो सकता है कि उसके माता पिता शायद क्रिमिनल थे, या वो किसी और को मारना चाह रहा था, जो उनके माता पिता मर गए, डायना के माता पिता मर गए। तो इसलिए हमसे जो है डायना थोड़ी सी दूर हो चुकी है, नाराज हो चुकी है। तो आज देखते हैं कि हमें कौन सा मिशन मिलता है और हमें क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसे हमें आज पूरा करना है। तो आज का गेम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ पूरा देखिए। तो ये हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट। तो ये आ गया हमारा 47 भाई साहब, टकले भाई साहब, तो थोड़ा सा परेशान दिख रहा। ओके, ओलिविया का फोन है। Buenos Aires International Airport this morning. Okay. Now watch this. Harold. इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये फुटेज है, जहाँ पे डायना हमें नजर आ रही है। डॉन है ये कोई? She's infiltrated them. She's sending a message. Okay. She needs my help. Could have fooled me. तो don't know her. ठीक है। Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and Constance's most trusted aide. Tamara Vidal. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? Okay. I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. Anyway, I need to go. See you around, 47. Okay, bhaiya. No. You won't. ठीक है। तो फ्रेंड, ये हो चुका है हमारा गेम स्टार्ट। तो यहाँ पे जो ओलिविया ने बताया है कि यहाँ पे डायना जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिखाई दी है, कैमरे के सामने आई है। तो एजेंट 47 बोल रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, वो कैमरे के सामने किसी ना किसी कारण की वजह से आई है, या वो कोई मुझे मैसेज देना चाहती है या मुझसे मिलना चाहती है। तो देखिए, यहाँ पे एजेंट 47 जो है डायना से मिलने के लिए आया है। ये देखिए, ये रही डायना और ये आ गया हमारा टकलू साहब, एजेंट 47। तो यहाँ पे कोई पार्टी चल रही है, ये पार्टी में आया है, और अब जो है यहाँ पे बाकी की चीजें ये बताएगी हमें क्या बताना चाह रही है। तो सुनते हैं ध्यान से क्या बोलना चाह रही है ये। You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next Constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the Don legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspects... I will convince him you acted alone. Retaliation for Gray. Trust me. I know what I'm doing. The Herald. Tamara Vidal. She has eyes everywhere. Tomorrow Vedel. तो इसका नाम है Tomorrow Vedel, और ये अभी अभी यहीं से गई थी, डायना के सामने से गई थी, शायद ये यहीं पे खड़ी हुई होगी अभी। I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. Okay. ठीक है। तो डायना ने बोला कि इन दोनों को हमें मारना है, और ये शायद जो डॉन है, डॉन टुमारो कुछ नाम था उसका, उसकी जगह पे ये डायना बैठना चाहती है। यहाँ पे कुछ मतलब कि जो डॉन की पोजीशन है वो शायद डायना लेना चाहती है, और उसके लिए जो है यहाँ पे डॉन को, और यहाँ पे एक जो टुमारो वेडल जो अभी अभी यहाँ पे नीले ड्रेस में थी, उससे
हमें मारना है, उसे रास्ते से हटाना है, और उसके लिए जो है यहाँ पे डायना हमारी मदद करेगी। तो यहाँ पे हमें यही सब करना है और जल्दी से जाके हम जो हमें इनविटेशन मिला है वो जाके हम देते हैं और पार्टी में शामिल होते हैं एज अ गेस्ट। और उसके बाद में जो है डायना भी हमें गाइड करती रहेगी और बाकी के इंटेल जो है हमें अंदर मिलते रहेंगे। तो देखिए, पता नहीं ये डायना को पता है कि भाई एजेंट 47 ने उसके माँ बाप को मारा है, लेकिन फिर भी जो है उसको काम के लिए बुलाया है, और पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारे लोग हैं, और ये देखिए सामने की तरफ देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है और बंदूक वाले इधर उधर घूम ही रहे हैं। पता नहीं ये डॉन का ही मकान है शायद ये, और यहाँ पे कोई जो है फार्म हाउस है ये बहुत बड़ा। तो आपको बता दूँ ये जो फार्म हाउस है ये वाइन फार्म हाउस है, यहाँ पे ग्राफ्स लगे हुए हैं और यहाँ पे दारू बनती है, दारू बियर वगैरह जो भी है। तो अभी आपको सारी चीज़ें आगे जो है पता चलती जाएगी। तो देखिए पार्टी में एंटर होने का इधर से ही है रास्ता। ये आदमी कहाँ जा रहा है? हाँ तो ये यहीं से है। हाँ भाई ओके, ये ले इनविटेशन कार्ड। तो ये हमने ले लिया, ठीक है। और वो देखो हमारा टारगेट, सॉरी भाई। तो वो देखो वो हमारा एक टारगेट जो है आगे की तरफ जा रहा है, और इसका मतलब डायना शायद पीछे से आ रही होगी। ओके ओके, तो ये कुछ बोल रही है। चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, और वाइन पीते हैं, वाइन पीते हैं भैया, वाइन। ओके Most of the guests have already arrived, and let me tell you, it's like a Forbes 500 convention in there. Most are high-profile clients of Morgan, Yates and Cohn. Okay. But the Yates are still okay. No shows. Word is, they're still up and running, senor. Okay. तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें अब समझ में आ गई कि ये जहाँ पे हम आए हुए हैं और जिसकी पार्टी है उसका ये पूरा फार्म हाउस है। यहाँ पे पूरी तरफ जो है ग्राफ्स लगे हुए हैं जो दारू बनाने के लिए काम आते हैं, ग्राफ्स अंगूर जिसे बोलते हैं हम, और जिसकी मदद से दारू बनती है, और वो उसकी फैक्ट्री जो है यहीं पर अंदर की तरफ है। तो उसकी फैक्ट्री है यहाँ पर, हमें पता चलना है अभी। तो देखते हैं फैक्ट्री कहाँ है। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ अंदर। ओके, रिसेप्शन पर जाते हैं। Okay. Could you show me the lay of the land? Certainly, senor. Corvo Black. This is the visitor center. Thank you, भाई. Okay. तो इसने बताया कि यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आसपास. Okay, okay. एक इंटेल मिला है भाई. सुनते हैं यहाँ पे. ये देखे, ये यहाँ पे है दारू की फैक्ट्री पूरी, और ये पूरा जो है ये वाइन बनाते हैं यहाँ पे, दारू और वाइन एक ही होती है। तो ये पूरे कंटेनर उसी के हैं, और इसी में सारी जो है दारू सालों तक भरी रहती है, और उसके बाद में उसे फिल्टर करके बाहर निकालते हैं वगैरह वगैरह। भाई इतना आइडिया तो मुझे भी नहीं है, अब आप देख लीजिए। तो ये है कार्बो ब्लैक। ओके, तो ये हमें एक इंटेल मिला है, तो इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। द मिशन स्टोरी। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो कार्बो ब्लैक जो खड़ा हुआ है, इसका नाम कार्बो ब्लैक है, इसकी जगह लेके हमें जाना है। एक वाइन मेकर है यहाँ पे इस फैक्ट्री का, जो हमें इस वाइन फैक्ट्री का पूरा टूर कराने वाला है, जिसके लिए डायना भी साथ में आने वाली है, और वो जो टमारा वेडल जो है ना, टमारा वेडल जो लड़की, वो भी साथ में आएगी। तो हम एज अ गेस्ट उनके साथ में ज्वाइन होंगे, और उसके बाद जो है ये इस फैक्ट्री का टूर करेंगे। तो भैया कहाँ जा रहे हो? ऊपर कहाँ जा रहे हो? इसको तो है जो है यहाँ पे सलटाना है। अब यहाँ पे इसको सबके सामने सलटाएंगे नहीं, स्टोरी के हिसाब से इसे सावधानी से सलटाना है, और उसके बाद में जो है इसका खेल ख़त्म। कोई बात नहीं बेटा, तेरी बारी है आज, मैं कॉइन जेब में रख लेता हूँ। कॉइन क्या काम का भी? तो कॉइन जो है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। तो भैया इसको जो है मैं इधर बुलाता हूँ, इधर सुनसान जगह पर इधर बुलाते हैं। ये देखो इधर, और यहाँ पे एक आदमी है, इधर भी दो लोग हैं। तो ये देख रहे हो नीचे फार्म हाउस पूरा के पूरा, ये जो है ग्राफ्स का फार्म हाउस है पूरा, अंगूर अंगूर जो है इसमें लगे हुए हैं। तो इसका जो टूर है वो हमें कराने वाला है। अरे ये कौन है भैया? उई भैंस की टांग, भैंस की टांग, यहाँ पे उल्टी करनी थी तेरे को। ओके, ये तो इधर ही आ गया। ओके, ये थोड़ा सा
आश्चर्यचकित हो गया इसको देख के, उल्टी कर रहा है इसलिए, ज़्यादा दारू पी ली तो उल्टी करेंगे और क्या। तो हम यहीं खड़े रहते हैं थोड़ी देर, और इसको जब ये आगे की तरफ जाएगा तब इसको मार देंगे, लेकिन इसको नीचे फेंकेंगे तो हमें कपड़े चाहिए इसके, इसकी जगह लेनी है हमको। जा बेटा जा, कितनी उल्टी करेगा मैं इसकी टांग, पूरा गंदा कर दिया। इसको अंदर खींच लूँ क्या, यहाँ से मार दूँ क्या इसको, पकड़ूँ क्या, नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं इसको। ये पकड़ लिया, ये ले पे हैं इसके। जल्दी से अंदर लेके जाओ इसको, अंदर लेके जाओ। हो गया इसका काम ख़त्म। ला भाई तेरी ड्रेस दे मेरे को। अब हमें लेना था इसकी जगह और ये हमने ले ली, तो हो गया। आगे इधर से हमें इसको पकड़ रहा था तभी साला साथ में आ जाता ना, तब ज़्यादा सही रहता बहस की। और वो उल्टी करने वाला भाग गया क्या यहाँ पे, उल्टी कर करके गंदा करके चला गया। अच्छा चलो, एक इंटेल मिला है, हमें जाना है टॉक टू इस रिसेप्शन, तो रिसेप्शन पे जाके कुछ बात करनी है हमें, चलते हैं रिसेप्शन पे। कोई बात नहीं, अंकल साइड में हटो। ओ मैडम, ओके भैया, ये हमारा इंटेल हमें मिला है, पहले इसे पूरा करते हैं। हाँ Corval Black. Okay. I'm on the tour. Right. Mr. Black. Welcome. Miss Burnwood and Miss Vidal will meet you down by the wine fields. I trust you know the way. I can find my way around. Enjoy. Okay. ठीक है, तो हमें तो है गेस्ट के साथ में ज्वाइन होना है, तो इसने बोला है कि जो वेडल और जो डायना है वो नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको भी जाके उनके साथ में ज्वाइन होना है। तो हमें ज्वाइन होना है, हम देखते हैं कहाँ है अभी। एक जो है कहाँ गेट आया ना, ये एक हमारा टारगेट ऊपर की तरफ है, इसको तो बाद में देखेंगे। और एक इधर कहाँ नीचे की तरफ है, ओके डायना, और वो नीचे खड़े हैं और हमारा इंटेल वहीं पे हमें जो है शो कर रहा है। तो जल्दी से चलते हैं आज इनकी वाट। अरे मैडम गेट खुला रहें दो, गेट खुला रहें दो। तो चलते हैं नीचे, नीचे की तरफ। ओहो देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ्स के कितने सारे पेड़ है। तो ये हमें जो है ग्राप्स तोड़ने हैं, ग्राप्स क्या बोलते हैं जो भी है, अंगूर तोड़ने हमें, तो अंगूर तोड़ने हमें। तो ये आ गए हम भाई साहब लो। Over here. You two must be Burnwood and Vidal. And you must be Yates's garbage man. Sorry. Garbage man? This is Corvo Black tomorrow. He's a ICA regular. I only work. ICA regular? Well, we're all here it seems, except for our guide, the chief winemaker. Looks like we're stuck here until someone fetches him. Okay. Mr. Black, I'm looking in your direction. Hold on. I'll track him down. Attaboy, do try and bring him back in one piece. Counterintuitive as that may be. That was a bit rude. Yes. Okay. Yes, it was. चलो ठीक है भैया। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर रुको, और थोड़ी देर में जो है यहाँ पे हमें जो टूर कराने वाला जो है यहाँ का वाइन मेकर वो आएगा। तो हमें एक इंटेल मिला है कि हमें अंदर जाना है और जाके हमें जो है इसको फॉलो करना है। चलो देखते हैं क्या फॉलो करना है भैया। यहाँ से जा सकते हैं क्या, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये रहा हमारा इंटेल, और ये देखो ये घुसिए। ओके तो ये आ गए हम यहाँ पे। ओके तो ये एक आदमी बता रहा है कि आपका गेस्ट जो है इंतज़ार कर रहे हैं टूर के लिए। बोला मेरा काम ख़त्म होने के बाद ही मैं जाऊंगा भैया, ऐसे थोड़ी चला जाऊंगा काम ख़त्म होने के बाद। ठीक है भैया, काम ख़त्म होने के बाद ही जाना। ओके ओके थ्री ग्रेप्स। ओके इसको तीन ग्रेप्स लेके आने हैं, गुच्छे लेके आने हैं तीन अंगूर के ग्रेप्स के। तो हमें जो है इसको क्या करना है, इसको ओके इसे हमें मारना है। ले भाई साहब, ले 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 ये ले भैंस की टांग, ले ला तेरे कपड़े दे दे भैया।
जल्दी से, और हम इसको उठा के जो है जल्दी से लेके जाते हैं, कोई ना आए उससे पहले लेके जाना हमें जल्दी से। ये जाओ, तो ये हमने इसे छुपा दिया है। अब इसके बाद में हमें जो है नाइफ चाहिए, मतलब कि चाकू चाहिए ग्रेप्स तोड़ने के लिए। तो ग्रेप्स को काटने के लिए जो है चाकू की ज़रूरत है। हमें जाना है, कहाँ जाना है, हमें इंटेल मिल गया वापस से। चलो इसको फॉलो करते हैं, इसके अंदर जाना है। ओके, यहाँ पे एक आदमी है जो हम पे शक कर सकता है। हाँ बिल्कुल शक कर सकता है भैया। लो भैया हम इधर से चलते, ओह यहीं पे है वो। तो देखो ये हमें इंटेल मिला था कि यहाँ पे हमसे चाकू लेना है हमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लो भैया एक और मिला है, और हमें जो जो चीज़ें मिलती है वो सारी लेते हैं। ये क्या है, कार बैटरी। कार बैटरी नहीं चाहिए हमको। चलो यहाँ पे भी कुछ है क्या, जो जो चीज़ें मिलती हैं वो हमें ले लेनी चाहिए क्योंकि बहुत काम आती है ये सारी चीज़ें। और ये इसे ले सकते हैं क्या, फिर इसको रख सकते हैं क्या? ना इसको नहीं रख सकते भैया। तो इसको जो है हम इसको ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, हमें जो है नहीं चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो हम पे सारे शक कर सकते हैं। तो हमें ये देखिए, ये एक ग्रैप्स तो यहीं मिल गया। लो भैया इसको काटो यहाँ से। तो ये ग्रैप्स को हम लेके जाएंगे, ग्रैप के गुच्छे लेके जाने वाले हैं भैया। यहाँ पे लोग हैं जो शक करने वाले हैं। ओके एक, ओके ये सारे शक करने वाले लोग हैं। अरे यार ग्रैप्स नहीं मिल रहा है। ओके ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ले भैया ये भी काट लो जल्दी से। ओके एक और मिल गया। तो ये जितने काले काले है ना ज़्यादा, वो हमें तोड़ना है। बाकी के ये देखिए काले काले हो रहे हैं अभी। तो ये हमने ले लिया है, फटाफट चलते हैं वाइन मेकर के पास में ग्रैप्स देने के लिए। ले भैया ग्रैप्स ले ले जल्दी से। तो ये ग्रैप्स लेके हमने ले लिया। ये लो आई हैव द थ्री ग्रैप्स यू रिक्वेस्टेड। यस गुड, ये ले भैया थ्री ग्रैप्स लेके आ गए भैया ग्रैप्स। इसको दिया कब है और उसने देखा कब और बाद में निकाला जेब से, मतलब पहले जेब में रख रखे थे इसने। ओके फाइनली टेस्ट। तो ये वाइन मेकर है, तो ये यहाँ पे जो है ये ग्रेप्स वगैरह की सारी जांच पड़ताल यही करता है, वाइन को भी यही देखता है। हाँ और इसकी शक्ल देखो, देखो मुझे मुझे देखो इसकी। ओके देखो वहाँ पे वाइन पड़ी हुई है, मतलब वाइन तो यहाँ पे हर जगह पड़ी हुई है, वाइन तो पीते ही रहते हैं ये दिन भर। ओके तो ये जा रहा है अब उनको टूर कराने के लिए, हमें भी जाना है फटाफट। जल्दी से हम ड्रेस चेंज कर लेते हैं। कहाँ है हमारी ड्रेस भैया? ये रही ये रही ये रही, ये लो भैया जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं फटाफट, कोई देखे नहीं उससे पहले। चलो नॉर्मल हो जाते हैं और हम चलते हैं अपनी जगह पर। ओके ओके वो पहले पहुँच गया, अच्छा पहुँच ही गया वो, बस पहुँचा ही है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये फालतू काम हमें क्यों दे दिया बीच में। हेलो वाइन लवर, हेलो, वेलकम टू विनियडा गेट्स। ओके आई डू अपोलोजाइज फॉर द डिले, द मालबेक ग्रेप इज अ डिमांडिंग मिस्ट्रेस। सो आई एम गैब्रियल वार्गास चीफ वाइन मेकर एंड आई विल बी योर टूर गाइड। ओके अभी आपके लिए टूर गाइड है, तो ये हमें टूर कराएगा, इसलिए अभी ये जो है टूर गाइड बना हुआ है हमारा। वी गुड, ठीक है भैया कोई बात नहीं, बरम बनो। फॉलो मी। हाँ चलो अब इसको हमें फॉलो करना है, ये हमें घुमाएगा उधर। ठीक ओके, तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कोई चीज़ें पड़ी हुई तो नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें मिलती है छोटी बड़ी वो सबको उठाना है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बहुत काम आने वाली है। हाँ तो सर आप जब तक बातें करिए, मैं जब तक इधर घूम के आता हूँ और जो जो हमारी चीज़ें काम की है वो सारी चीज़ें मैं लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। और ये क्या है, ये भैंस के टाइम क्या है, फ्रिज है ये? ओके फ्रिज है, ओके 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 ओके। और यहाँ पे इसका स्विच है। ओके इसके लिए हमें कुछ स्क्रू ड्राइवर या चाबी चाहिए। ओके अरे ये क्या है, जेब में रख लेते हैं।
ओके भैया, और यहाँ पे क्या? अच्छा इसके ऊपर हमें नहीं चढ़ना भैया, नहीं चढ़ना इसके ऊपर। डायना डायना, ओहो यहाँ पे एक चाबी पड़ी है, ये मैं रख लो, बहुत काम आने वाली। ये क्या बॉटल है? बॉटल नहीं लेंगे। अरे जेब में रखो भैया। ओके ठीक है। Wine goes through its primary stage of fermentation. In these big open tanks, yeast converts the sugars in the wine to alcohol. Okay. Process that lasts between 5 and 15 days. This is also where we squeeze the mass into a fine juice using our grape presser for the longer secondary stage of fermentation. Fascinating. ठीक है भैया. Before we move on, I have a question. ओके तो ये एक सवाल पूछने वाला है और हम इससे कुछ सवाल पूछेंगे। तो भैया मेरे पीछे आओ। ये जो फ्रिज जो यहाँ पे हमने देखा था, ये देखे इंटेल भी उधर लेके जा रहा है। तो ये फ्रिज जो हमने देखा था ये क्या चीज़ है? तो भैया ये जो यहाँ पे हमने एक फ्रिज देखा है इसके बारे में बताओ हमको। ये हाँ हाँ ये इंटेल भी इधर लेके आया। ओके ये कैसे काम करता है ये? ओके easily reaches temperatures of minus 10 degrees Celsius. Okay, 10 degree Celsius temperature का काम करता है, माइनस होगा या माइनस टेम्परेचर में। Hey, okay. There's no doorknob on the inside. Okay. Seems like a pretty glaring safety omission if you ask me. Probably soundproof too. Okay, soundproof है ये. Such imaginations you have. But there really is no need to worry. Why? We haven't had an accident with Mrs. Yates' dog was run over by a great picker. ओके भैया, आस्क अ क्वेश्चन। आई गॉट ऑल आई नीड। आई एम एंजॉयिंग योरसेल्फ मिस ब्लैक। ओके ओके, वेरी इंस्पायरिंग। तो इसने बोला है कि तुम ज्वाइन करो आपस में, हम चलते हैं आगे। तो इसको इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये ही हमारा जो टारगेट है, ये देखो ये टारगेट है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। ये यहाँ पे ओके, हमारे पास में जो स्क्रू ड्राइवर था ये इसी के काम के लिए था। ये लो भाई साहब, बंद हो गया। अब हो गया इसका काम ख़त्म। अब ये जो है मरेगी यहाँ पे, देख रही है क्या? अरे घंटा ही तेरी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि हम ये साउंड प्रूफ है पूरे पहले से। और 10 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा, मतलब कि तेरा तो दम घुट गया अभी थोड़ी देर में। बस जाने वाली है। आगे उसको चक्कर आ गए। अब उसका जो है ऑक्सीजन लेवल जो है ख़त्म होने वाला है। बस बटा गई। लो भाई साहब, जो हमारा एक टारगेट जो है वो हो गया ख़त्म। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं उनके पीछे। कहाँ भाग गए वो? जल्दी से भागो उनके पीछे, जल्दी 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 जल्दी। अरे भैया कहाँ चले गए? अरे इतने जल्दी भाग गए। ओके Okay. So we arrive to our final stop, the barrel room. This is where we store the wine during the secondary stage of fermentation. Okay. The area behind the glass is where we keep our most precious bottles. Okay. तो ये जो है लास्ट स्टेज है, यहाँ पे सारी जो वाइन है जो स्टोर करके रखते हैं। The actual stores which are made from ballistic glass can only be unlocked from the security room high above our heads. Okay. Remarkable. तो ये पूरा वाइन का यहाँ पे स्टोरेज है। ओके ये आ गया हमारा डॉन, डॉन आर्चीबर्ड, डॉन आर्चीबर्ड ऐसे कुछ नाम है इसका। इसे हमें सुलटाना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो ये कितने प्यार से बात कर रहा है, इतने प्यार से बात कर रहा है कि हम इसे ख़त्म ही नहीं कर सके। चलो कोई बात नहीं भैया। देख रहे हो उसको। ओके। तो डायना तो उसके साथ में ज्वाइन होने वाली है अब। ओके। Why don't you take a break, Corvo? We're done here for now, I think. Oh, but don't go too far. I may still need your services later. I'll be closer than you think. Okay. Oh, almost forgot. Cortazar, please nip down to the wine cellar and tell Mr. Flowers, the sommelier, to prep the 1945 Grand Paladin.
bring it up to the house. 1945 Grand Paladin. कोई दारू है शायद 1945 इन्होंने बोला है जो ठीक है ये इंटेल मिला है तो ये तो चली गई है उसके साथ में क्योंकि ये उनके पार्टी में ज्वाइन होने वाली है उनकी कोई मीटिंग चलने वाली है तो हम जो है यहाँ पे इंतज़ार करेंगे तो भैया हम तो इंतज़ार कर लेंगे लेकिन आप ऐसे का मतलब का ओके दरवाज़ा खटखटाया और ये जो रोशनी होगी लाइट बंद कर दी थी पहले से शायद स्पेशल लोकेशन है भैया वो दारू की बोतल दे देना 1945 वाली come for dinner out here what could possibly be so special above your clearance flowers just fetch it already fine what's the passcode okay the ye story mode mila hame I'm judging from Yates's choice of wine some okay. type of celebration theek hai to yahan pe ek meeting chal rahi hai unko wine तो ये सारे वाइन सेलर है जिनकी मीटिंग चल रही है जो अभी डॉन गए हैं और जहाँ पे डायना भी गई है साथ में तो वहाँ पे वाइन सेलरों की मीटिंग चल रही है और उनको ये वाइन टेस्ट करानी है तो हमें जो है वाइन लेके जानी है तो ये हमें वाइन लेके जानी है देखिए यहाँ से वाइन लेके जानी है भैया ये देखो ये वाइन जो लेके जाएगा वो आदमी को उन्होंने बता दिया है ये वाइन की बॉटल उठा के लेके जाएगा हमें अंदर घुसना है जल्दी से हमें अंदर घुस एक मिनट ये क्या चीज़ है ये खड्डा है यहाँ पर ओके मैं यहाँ से नीचे उतर सकता हूँ ओके डम हो गया अब मैं ट्रेस पासिंग में हूँ ओके यहाँ पे एक गेट है लो खोलता हूँ मैं उसको अरे भैया ऐसे थोड़ी ला भाई तो ये घुस गए हम यहाँ पे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही भैया ओके 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 ले भैया तो ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है ये ले ओके ये बंद हो गया मतलब ये पहले अंधेरा हो गया था अभी भी वापस अंधेरा हो गया तो हमें जो है इनको मारना है कैसे मारें इनको हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं ओके हमारे पास में एक ये हथियार है ओके तो भैया ले भाई दोनों को सलटा दिया जल्दी से अब जल्दी से हम जो है इनकी जो है बॉडी को उठाते हैं और जल्दी से इसको डंप करते हैं इधर ही जहाँ से हम आए थे क्योंकि यहाँ पे कोई देख नहीं पाएगा और इसे डंप करना बहुत ज़रूरी है चल 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 जल्दी चल भैंस की टांग ले और ये पिक कर लेते हैं चाकू क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी और इसे भी जल्दी से सलटाते हैं सलटाना क्या है एक बार ये चाकू पिक कर लेते हैं इसका ड्रेस पहन लिया ओके हमने ये ड्रेस पहन लिया है इसका और इसको जल्दी से अब कहाँ डालें इसको भी यहीं डाल देते हैं जल्दी से तो ये धीरे धीरे खींच के ले जाता है जल्दी लेके जा भैंस की टांग ले ओके तो अब हमें ये जो है वाइन लेके जानी है ठीक है तो यहाँ पे लगा हुआ है लेज़र रेस अगर इसको हमने क्रॉस कर लिया तो यहाँ का अलार्म बच जाएगा ओके हम पासवर्ड डालते हैं 1945 उसने बोला था तो 1945 भी डाल के देखेंगे 1945 देन ओके ओके 1945 भी इसका जो है पासवर्ड था ठीक है भैया ठीक है ये हमने पिक कर लिया ओके चलो 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 जल्दी जल्दी चलो दूसरा एंटर मिल गया हमें वहाँ जाना है लो 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 Over here, come on, while we're young. Sir, okay. I present to you the 1945 Grand Paladin. Paladin. Huh. Somehow I thought it'd be bigger. Okay. Come on, Flowers. Guests are waiting. चल चल धीरे धीरे क्या बात कर रहा है भैंस की टांग चलो अब हमें इसके पीछे जाना है बेटा तेरे को भी मारूंगा ठहर जा ये बोतल से ही मारूंगा मैं तेरे को इस बॉटल से मारूंगा तो इसको क्या करेंगे फिर बॉटल का क्या करेंगे बॉटल लेके जाना है हमें पहले Go on, get yourself patted down. We're still on alert from all those big shots CEOs getting offed. ओके यहाँ पे भाई साहब हमारी चेकिंग होने वाली है चेकिंग होने एक मिनट भैया मैं आ रहा हूँ एक मिनट टॉयलेट करके आ रहा हूँ मैं अरे भैंस की टांग हमारे पास में जो जो चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं एक बार जो चीज़ें अरे ये बंदूक निकाल लेते हैं पहले तो बंदूक डंप करते हैं क्योंकि बंदूक ही है मेन और क्या चीज़ें हैं
अंगूर अंगूर पेचकस वगैरह, ये तो चाकू, चाकू की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन चाकू क्या पता वो लेगा कि नहीं लेगा। चलो एक बार जाके देखते हैं, दोबारा से खेलेंगे नहीं तो। I'm gonna need to frisk you if you want to come through here. ले भाई, चेक कर ले। You seem nervous. You got something to hide? मैं इसके टांग पूरा भरा पड़ा है, फिर भी तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, देख लेना। Okay. Okay. You are good to go. Okay, चलो। चलो चलो भैया, धीरे धीरे कहाँ चल रहे, जल्दी जल्दी चलो। I'm sure you figured that out already, you being a scholar and all. ये देख रहे हो पहाड़ी के जैसे बना हुआ है, पहाड़ के अंदर ये पूरी जगह बनी हुई है। Just set your mind to wool gathering mode. You think you can do that for me, Flowers? Okay, okay भैया, चलo आगे चलो। I'm the very soul of discretion. Good man. Okay. तो हमें जो है वहाँ पे मीटिंग में इस दारू के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तब जाकर के ये दारू का कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा? दारू ही निकलेगी बॉटल में से, और क्या निकलेगा? They're already at it. Go on, place the wine on the table. I'll pour it. Okay. टेबल पे रख दो, ले जाके। ओके। I've always just been in the heralds, the unspoken heroes of Providence. Then. Lovely. Ah, ladies and gentlemen, Mr. Flowers, our resident sommelier. I believe he has brought us something quite special. Perhaps you will educate us, Mr. Flowers. Okay. This is the 1945. देखो, डायना भी यहाँ पे बैठी हुई है। Paladin. Okay, भैया. One of only five bottles in existence. The vintage is legendary. The proverbial unicorn wine. The year was hot. Wow, लाल लाल से दिख रही है भाई साहब। पानी के बिना ही लोगे क्या भाई इसकी टांग? The production was small. तो ये एजेंट 47 को इस दारू के बारे में इतनी सारी चीज़ें भी पता चल गई इतनी जल्दी, तो वो सारी चीज़ें जो बता रहा है ये दारू के बारे में बता रहा है कि 1945 की है, और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें बता रहा है उसके बारे में, कैसे इसे बनाया है और क्या क्या हमने इसमें किया है। तो इसने भाई साहब सबको दारू डाल दी है, डायना को नहीं दी, डायना के पास से ही तो गया था, अब देगा शायद डायना को। थैंक यू मिस्टर फ्लावर्स, फील फ्री टू स्टिक अराउंड इन केस आवर गेस्ट्स हैव क्वेश्चंस। ओके, This wine was gifted. अब हमें जो है मीटिंग को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। It stands as a powerful reminder that providence draws its strength not from force but from partnership. We are but a few and yet together we are unstoppable because we stand. डायना को नहीं दिया, my friends, सबको दे दी, डायना को नहीं दी, क्या बात होगी? Is everything, which is why we cannot allow traitors into our ranks. Ah, yes. Here it comes. This woman has waged bloody war on us. More than a dozen heralds and operatives dead. धोखेबाज है और बेकार है, और ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोल रही। Ken Morgan. Not to mention the partners. इसने हमें धोखा दिया है। Our founders, our benefactors. Okay. Make no mistake. तो भाई साहब इसने जो है हमें धोखा दिया है, ये सारी चीज़ें बता रहा है और इसकी बेइज्जती कर रहा है सब लोगों के सामने। ओके, to the kingdom. Now does that seem right to you, my friends? Does that sound like loyalty? Oh, absolutely. Absolutely. Perhaps Edward simply recognizes talent when he sees it. तो इसको अब जो है रॉयल्टी नहीं मिलेगी, और अब जो है ये जो पोजीशन पे है उस पोजीशन पे से भी शायद उसे हटा रहे हैं, लेकिन डायना जो है इस डॉन के पोजीशन पे बैठना चाहती है, इस डॉन को मार के। तो अभी हम जो है इस डॉन को मारेंगे, अभी हम सबके सामने नहीं मार सकते। This woman will be our downfall. That is, unless we take matters into our own hands. You are heralds sworn to protect Providence against all threats, including inside ones. I. यहाँ पे कोई चीजें हैं जो हमारे काम की हैं। Together we can make it work, but you have to decide now, my friends. तो यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं है, चारों तरफ दारू ही दारू है, यहाँ पे क्या है? ओके, यहाँ पे भी कुछ है। ओहो, पॉइजन मिल गया हमको। ओके ओके, यहाँ पे क्या है? ये बॉटल है, बॉटल नहीं लेनी हमें। तो हमें पॉइजन मिल गया यहाँ पे, जेब में रख लो पॉइजन को। तो अरे डायना को मारा है,
कैसे गिर गई? ओके, इसको मारा है शायद डायना को। ठीक है, तो डायना को मारा है यहाँ पे और डायना को लेके जा रहे हैं अब कहीं पे। We need to get our story straight. Diana Burnwood died today. तो भाई साहब ओके, टाइम रिमाइनिंग, तो 10 मिनट में हमें जो है डायना को बचाना है या डायना के पास में हमें पहुंचना है। तो हम जो है इधर से जा, ओके ओके भाई इधर से नहीं जा सकते, तो दूसरी तरफ से जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक गेट खुला हुआ है, रास्ता ओके, स्ट्रिक एरिया है ये भी। ओके, यहाँ पे हमारे पास में चाकू है, इसको सलटाना पड़ेगा पहले। ठीक है, कोई आ गया था, कोई आ गया था। ठीक है, पता चल गया कोई आ गया, इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं अभी थोड़ी देर, जब तक ये आदमी जाएगा नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। थोड़ी सी गलती होगी, मुझे नहीं पता था ऊपर कोई खड़ा हुआ है। ओके, ये ओके 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 भैया, बॉडी यहाँ पे डाल दो। ओके, एक आदमी और खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो दूसरी बॉडी भी देख ली, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, वो हमारे पीछे आया जब तक। ओके ओके, ये रहा, तो हमें इंटल इधर का ही मिला हुआ है, इधर ही हमें जाना है। तो चाकू ले लेते हैं हमारे हाथ में, तो यहाँ पे भी कोई है। और देखो, मैंने बोला ना यहाँ पे भी कोई है। Hello. The floor and get yourself a guard outfit. Yates won't be long. Okay, एक को मार दिया है। ये कह रही है डायना कि सबको मारो जल्दी से और जल्दी से सबको छुपा दो। ठीक है भैया, सबको मारते हैं, जल्दी से सबको छुपाते हैं। ले वो। तो डायना के पास तो हम पहुंच गए, देखा आपने डायना यहाँ पे छुपी हुई थी। और डायना को जो है, चलो इसने बोला है कि यहाँ पे ये जो जितने गार्ड हैं उन सबको मारना है और उसके बाद में हमें जो है ओके, तो इसे भी हम उठाते हैं और इसको साले को इधर से ही फेंक देते हैं मैं इसकी टांग। ले भाई इधर से फेंको इसको, डब कर दो इसको। ले भाई जा, बंदूक ले लेते हैं। ओहो, एक चक्कू पड़ा हुआ है, चक्कू भी ले लेते हैं। Good. I was beginning to worry. Private space.
kill room decor. Exactly. We won't get another shot at this. Now sit down and blend in. When I provide a distraction, you just be ready to move. Okay. तो ये कह रही है कि वहाँ जाके बैठ जाओ कुर्सी पे और तुम खाली देखो, मैं जो है उसे मारूंगी। तो अभी डॉन जो है ऊपर आ रहा है, तो ये डॉन को मारेगी। ये देखे इसके हाथ में चाकू, तो ये डॉन को पहले मारेगी और उसके बाद में हम उसे मारेंगे। क्या मारेंगे पता नहीं, लेकिन मारेंगे। तो डॉन के साथ में दो गार्ड भी आएंगे शायद, तो डॉन के साथ में गार्ड भी आएंगे, तो गार्ड को हमें संभालना है और ये डॉन को संभालेगी। ओके ओके ओके, एक गार्ड आ गया भैया, एक गार्ड आ गया। तो शांत बैठे रहे, वेट फॉर इट्स ओके। तो ये सबसे खतरनाक ये चश्मे वाला दिख रहा है, लेकिन है नहीं खतरनाक। हाँ भैया, एजेंट 47 उससे ज़्यादा खतरनाक है। देखो टकले के ऊपर क्या बना हुआ है, बार कोड। ओके, खड़े हो जाते हम। ओके, ये इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ है। ओके, ये गिर जाएगा। अच्छा, ये इसके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। इसको हम खोलेंगे, ठीक है। तो डायना जो है अभी उसे बातों बातों में जो है चाकू मार देगी। अभी ओ तेरी ले, मार दिया चाकू, ये हमने खोल दिया। और कहाँ गया चाकू, कहाँ गया हमारा? ले भैंस के टांग। ये हमने बंदूक ले ली। कितने खतरनाक तरीके से बातों बातों में चाकू घसीड़ दिया उसको। ओके, फिनिश करने के लिए कह रही हमें। ले बस, ओके भैया। और बोलो आगे। ओके, बॉडी को छुपाना है हमें। अच्छा, ठीक है। तो ये कह रही है कि बॉडी को छुपा दो और जो है मैं डांस फ्लोर पे जाके तुम्हें मिलती हूँ। ठीक है भैया, लो बॉडी को छुपाते हैं। अरे बॉडी को तो उठा ले पहले। लो भैया, बॉडी को उठा लिया। अरे क्या फ़ायदा तेरा इतना सारा फार्म हाउस बनाने का, दारू वाइन बनाने का, ये वो इन दोनों को पड़े रहता है इसके टांग। तो हमें इंटेल मिला है, यहाँ पे क्या है? तो ये ड्रेस पहन के, अरे हम नहीं पहन के जा रहे ड्रेस यार। ये ड्रेस पहनेंगे तो अभी सारे लोग जो है हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो इसको बंदूक को डम कर देते हैं और एक ही बंदूक लेके जाएंगे हम। तो सीधा सा एग्ज़िट की तरफ चलते हैं हम। एग्ज़िट हमें मिल रहा है। पिक करो, पिक करो, क्या पिक करें यहाँ पे? अरे डंडा है, ठीक है भैया, डंडा है। डंडा साइड में रखो, अरे डंडा है ये साइड में रखो। चलो चलो चलो, एग्ज़िट यहाँ पे हमें मिल गई है, ठीक है। तो डायना हमारा जो है डांस फ्लोर पे इंतज़ार कर रही है, तो हमें डांस फ्लोर पे जाना है। ओके, शायद हमें वो ड्रेस पहन के आना चाहिए था, लेकिन ड्रेस हमने नहीं पहना। अरे ओ ओ, सीधा खड़ा हो जा, तमीज नहीं है तेरे को? हंस क्या रहा है? तो डायना के पास में एग्जिट आ गई। ओह, तो भाई साहब डांस करने के लिए आया है ये। ओके इट्स डन। ओके नाउ वी स्ट्राइक एट द हार्ट। इट्स डन। Edwards. तो लगता है कि अब हमारा यहाँ पे गेम खत्म हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है स्टोरी में। He is untraceable and he never lets you forget it. Oh. He is cocky and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the Olive Grove at sunset. One last tango, 47. Okay. तो ये आगे का प्लान पूछ रहा था, लेकिन उसने बोला भी अब और बाकी है कुछ। चलो देखते हैं क्या बाकी है। लो देखते हैं। ओके, ये
नर्सरी ईवेल के अंदर है, मतलब ये उसी जगह पे है नर्सरी ईवेल, कोई गार्डन वार्डन है शायद वहाँ पे है। ठीक है, ये डायना यहाँ पे आई हुई है। ओके अरे ये इसने बंदूक कैसे तान ली इसके ऊपर? Your deal. That kind of power always comes with a price. What's yours? Okay. I think you know. अरे तो इसने भी यहाँ पे आदमी बुला रखे अपने सारे। I am sorry. इसको भी घेर लिया चारों तरफ से। It's a necessary evil. ये क्या डाल दिया इसके? What have you done? क्या हो रहा है इसको? Transfers by touch. See, Edwards learns by his mistakes, 47. Okay. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. It was the only way. To get this close. My family. तो इसने कोई ऐसी चीज इसको लगा दी है जिसके बाद में उसने अपना बटन दबा दिया, उसके बाद में इसके शरीर में जो है कुछ जहर फैलने लगा है। तो उसने बोला है कि ऐसा क्यों किया, तो इसने बता दिया कि तुमने मेरी फैमिली को मारा था, अब सॉरी बोल रहा है। ओके, तो इसने आखिर में अपना बदला ले लिया, क्योंकि एजेंट 47 ने जो है इसके माँ बाप को मारा था, उसका बदला इसने लेना ही था, तो इसने ऐसे निकाल लिया, पहले अपना काम निकाल लिया उसके बाद में अपना बदला ले लिया। ये तो बहुत गलत हो गया, ये सीन ही गलत हो गया थोड़ा। ओह माय गॉड, तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एजेंट 47 जो है मर जाएगा या। तो दोस्तों यहाँ पे जो है डायना ने अपना बदला ले ही लिया और एजेंट 47 को जो है न्यूरोटॉक्सन जहर से जो है उसे मार दिया, इंजेक्ट कर लिया था वहाँ पे डांस करते समय, सारा कांड किया है उसके ऊपर। और उसके बाद में जो है अब एजेंट 47 का क्या होगा ये पता नहीं, हो सकता है कि एजेंट 47 मर भी जाए और हो सकता है क्या पता वापस भी आ जाए, तो ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड भी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद है ये गेम प्ले वीडियो में आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा और ये गेम प्ले वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। तो देखेंगे अगले वीडियो में कि एजेंट 47 का क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।